हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फोटो फ्रेम। ये वॉल हैंगिंग वाला बड़ा साइज का फोटो फ्रेम बनाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का जो केक का बोर्ड है वो केक का ट्रे मैंने ले लिया है, और हमें चाहिए जूट। और ये जो जूट है, इस जूट को मैंने एक छोटा पीसेस में काट लिया है। इसके साइज का मैंने ऐसे बॉर्डर छोड़ के काट लिया है पीस करके, और इस पीस को मैंने ब्लैक और पर्पल कलर से थोड़ा कलर कर रखे हैं। और हमें चाहिए ऐसे, मैंने जूट के फ्लावर थोड़ा सा बना के रखे हैं, और ये कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगी। और ग्लू चाहिए, और चाहिए एक्रेलिक कलर, और ऐसे एक मैंने जूट का पीस काट के रखा है जो ये ऐसे वाला बनाने के लिए, फ्लावर के बीज में बनाने के लिए। और ये जो बॉल्स हैं ये भी मैंने टिश्यू और ये जूट के धागे से बनाई, ये भी कैसे बनाते हैं दिखाएंगे। और चाहिए हमें कुछ लेसेस और सीजर्स। फ्लावर के बीच में रखने के लिए ये जो मैंने बना के रखे है पहले से, तो इसको बनाने के लिए ऐसे ही हम टिश्यू ले लेंगे। टिश्यू के अंदर में एक टिश्यू का छोटा सा ऐसे ही पार्ट फाड़ के इसके अंदर में रख देंगे, और ऐसे इसको अच्छे से एक राउंड शेप का ऐसे गोल बना लेंगे। और इसके ऊपर जो ये जो धागा है जो जूट का, और इससे इसको अच्छे से कवर अप करके मैंने अच्छे से ग्लू से इसको पहले ग्लू में भिगो के इस धागे को, और ऐसे ही इसको कवर अप कर दिया था। पूरा जो है ये बॉल को मैंने कवर करके और मैंने सुखा लिया है, तो ये ऐसे बिल्कुल सख्त वाला बॉल बन गया है अभी। ये देखिए फ्लावर के जो ये बीज वाला पोर्शन के लिए मैंने दिखा दिया, जो टिश्यू का ऐसे बॉल बना लेना है हमें धागे से, और ग्लू से अच्छे से धागे को भिगो के तब बनाना है, और तभी सुखाने के बाद ये इतना मजबूत वाला जो है बॉल बन गया है। और अब जो इसका जो पेटल्स है, ऐसे हमने जूट के पीस ले लिया है, और इस पीस से ऐसे पहले मैंने एक ड्रॉ करके काट लिया था, और अभी सारे पेटल्स को मैं ऐसे ही इसके ऊपर रख रख के और ऐसे ही शेप में इसको काट दिया है। ये सारे मैंने पेटल्स पहले से काट के रखे हुए हैं यहाँ पे। और जो हमें चाहिए कुछ पत्ता, जो मैंने पत्ता छोटे और बड़े साइज के काट के रखे हैं, तो पत्ते काटने के लिए हम ऐसे जूट के पीस ले लेंगे और इसको थोड़ा सा पत्ते के शेप में काट लेंगे। और इसको पत्ते के शेप देने के लिए थोड़ा वी शेप में ऐसे छोटा छोटा पीसेस करके इसको काट करके ऐसे मैंने पत्ता बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए ये पत्ते ऐसे ऐसे करके मैंने सारे पत्ते पहले से ही बना के रखे हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़े साइज के भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे साइज के भी हैं। तो और ये जो फ्लावर के बीच का ये पोर्शन बनाने के लिए हमें ऐसे ही चाहिए एक जूट का, ऐसे लंबा वाला मैंने काट करके रखा है। बड़े वाला फ्लावर के लिए ये जो थोड़ा ज़्यादा है इसमें जूट का जो ये पोर्शन ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी लंबा पीसेस ले लिया था, और इसको रोल करने के बाद ये ज़्यादा थिक में बने हैं। और ये हमें छोटा फूल के लिए थोड़ा सा हल्का में चाहिए, तो मैंने इतने इतने साइज के काट लिए हैं। और इसके जो है ऐसे ऐसे धागा सारा निकालते जाना है इसके जो एक पोर्शन से, ऐसे हमें धागा निकाल निकाल के ये जो अच्छे से जब थोड़ा नीचे तक इसको हमें ऐसे निकाल लेना है, इतने दूर तक निकालने के बाद फिर इसको रोल करना है। अब जो ये देखिए इतने दूर दूर तक मैंने ऐसे लाइंस खोल दिया है, तो ये अभी जो है लूज हो गया है काफ़ी, तो इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे। थोड़ा इसको ऐसे रख के रोल कर लेंगे, उसमें ऐसे ही ग्लू लगा के हमें इसको जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है। और इसके जो सेंटर में ये देखिए, ये ऐसे ही जब खुल जाएगा तो इसके सेंटर में हम इसको ये जो बॉल पहले से बना के रखे हैं जो टिश्यू बॉल, इसको ग्लू से हम इसके अंदर में ऐसे ही सेट कर देंगे, ऐसे ही सेट कर देंगे। देखिए मैंने इसको ग्लू से सेट कर दिया। अब जो ये एक एक पेटल्स को हम ऐसे थोड़ा ग्लू गन के ग्लू से इसके ऊपर लगाएंगे और एक एक पेटल्स को ऐसे ही सेट कर देंगे। देखिए ऐसे ऐसे सेट करते जाएंगे पूरा। देखिए मैंने सारे पेटल्स को जोड़ दिया है और कितना अच्छा फ्लावर बन गया है। तो इस फ्लावर के साथ हम ऐसे दो बड़े साइज का पत्ता लेके इसमें
जोड़ देंगे। देखिए फ्लावर सारे कंप्लीट हो गए हैं और हम इस बोर्ड को ऐसे रख के और बोर्ड के थोड़ा सा छोटा साइज में मैंने इसको ये कट कर लिया है पहले से, और इसको मैंने ब्लैक और पर्पल कलर कर लिया है, और इसके बीच में भी जो है ये भी मैंने पहले से कलर करके रखा है, और इसको ऐसे सेट करेंगे ग्लू के थ्रू, अच्छे से ग्लू लगा के इसको सेट कर देंगे, और फिर ऐसे ग्लू लगा के बॉर्डरिंग करेंगे इसको ऐसे लगा लगा के। मैंने ये जूट लगा दिया है और अच्छे से इसका बॉर्डरिंग कर दिया है, और अब जो ये फ्लावर बना के रखे हैं तो सबसे बड़ा वाला जो फ्लावर है मैं इसको नीचे सेट कर दूंगी, और फिर ये जो मीडियम साइज का है इसको ऐसे ऊपर में सेट करेंगे, और इसको छोटे वाले को और ऊपर में सेट करेंगे। फिर मैं सेट करने के बाद दिखाती हूँ कैसे पत्ते को भी सेट करना है। देखिए मैंने पत्तों को भी ऐसे ही सेट करके, अभी सेट मैंने नहीं किया है, ऐसे ही लगा लगा के इसको एक पैटर्न बना लिया है। अब इसको मैं सारा ग्लू कर दूंगी तो ये अच्छे से चिपक जाएगा, और मैंने थोड़ा सा जूट काट काट के ये इसका जैसे स्टेम जैसे बनाया इसको चारों तरफ से, तो अब इसको सारे पत्तों को अब इसमें ग्लू के साथ सेट कर दूंगी। देखिए ये पूरा फोटो फ्रेम जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने पहले से यहाँ पे एक होल कर रखा है जो ऊपर में हैंग करने के लिए, और ये मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर फ्लावर पे कर दिया है, पर्पल कलर से थोड़ा अच्छे से अंदर में ये कर दिया है, और बाकी मैंने हल्का हल्का ग्रीन कलर कर दिया है, तो ये कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए अब ये बन चुके हैं, तो मिलते हैं फिर दूसरे क्राफ्ट के साथ।